टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने पर टीम इंडिया पर इनाम की बौछार हुई है। बीसीसीआई ने विश्व विजेता टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि का ऐलान किया है। खुद बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक्स पर इसका ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय टीम के आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनने पर खास प्राइज मनी दी जा रही है। इसके साथ ही जय शाह ने अपनी पोस्ट में टीम इंडिया की जमकर तारीफ भी की। जय शाह ने लिखा कि टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय टीम ने अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा उसने अपनी दृढ़ता और खेल भावना से मैचों के साथ साथ लोगों के दिल भी जीते हैं। बीसीसीआई ने टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा कि सभी खिलाड़ियों, कोच, सपोर्ट स्टाफ को इस बेहतरीन उपलब्धि पर ढेर सारी बधाइयां। सचिव जय शाह ने शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक खिताबी जीत की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने असाधारण प्रदर्शन से अपने आलोचकों को चुप करा दिया। भारत ने बारबाडोस के ब्रिजटाउन में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व खिताब जीता। शाह ने एक बयान में कहा कि रोहित शर्मा के असाधारण नेतृत्व में इस टीम ने शानदार दृढ़ संकल्प और लचीलापन दिखाया है, जो आईसीसी टी20 विश्व कप के इतिहास में एक भी मैच गवाए बिना टूर्नामेंट को जीतने वाली टीम बन गई है। शाह ने भारत के खिताबी अभियान को प्रेरणादायक करार दिया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों ने आलोचकों का सामना किया और बार बार शानदार प्रदर्शन से उन्हें चुप कराया। खिलाड़ियों का सफर प्रेरणादायक रहा है और आज वे महान खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने टीम की कड़ी मेहनत की भी प्रशंसा की और कहा कि इस टीम ने समर्पण, कड़ी मेहनत और अदम्य जज्बे से सभी को गौरवान्वित किया है। रोहित शर्मा के नेतृत्व में विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और अन्य खिलाड़ियों की मदद से उन्होंने 1.4 अरब भारतीयों के सपनों और उम्मीदों को पूरा किया है। बता दें कि शनिवार को टी20 का फाइनल मैच साउथ अफ्रीका और भारत के बीच खेला गया। भारत ने मैच 7 रनों से जीत लिया। इसके बाद पूरे देश में रात भर जश्न मनाया गया। हालांकि मैच खत्म होते ही क्रिकेट फैंस के लिए मायूस कर देने वाली खबर भी आई। मैच जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा, पूर्व कप्तान विराट कोहली ने भी टी20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। फिर रविंद्र जडेजा ने भी इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर कर इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संन्यास लेने की घोषणा की थी। हालांकि रोहित शर्मा ने इसके बाद भी मीडिया के सामने अपने दिल की बात रखी। मेरे को अभी किसी ने बताया भाई यू स्टार्टेड इन 2007 यू वन द वर्ल्ड कप एंड यू लीविंग द गेम विनिंग द वर्ल्ड कप, सो दैट्स अ टेलरमेड सिचुएशन फॉर मी बेस्ट। मतलब मैंने स्टार्ट किया था जब पहली बार इंडियन टीम में आया था 2007 में। पहला मेरा चैलेंज था, ऑब्वियसली मैं आयरलैंड गया था 50 ओवर के लिए, बट उसके बाद तुरंत ही हम साउथ अफ्रीका गए थे टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहां पे जीते। उसके बाद अभी ये तो फुल सर्किल, प्रॉपर सर्किल, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। तो वो 2000 फाइनल के लास्ट ओवर में आपने एक छक्का मारे थे दैट बिकेम वेरी वाइटल, वो अभी भी याद है। देखो अभी हम तो उस टाइम पे इतने छोटे थे, 20 साल के थे, तो जो जैसे मैं अभी मेरे प्लेयर्स को यही बोलता हूँ कि अपना अपना जो रोल है वो करने की कोशिश करो। तो मेरा उस टाइम पे रोल था कि मैं तभी 5 या 6 नंबर पे बैटिंग करता था, तो उस टाइम पे एक फिनिश अच्छा करना बहुत जरूरी था उस टाइम पे हमारे लिए। उस टाइम पे 140-150 एक अच्छा स्कोर होता था, तो मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था कि कैसे भी करके 150 के आसपास पहुंच जाए। एंड इवेंचुअली आई थिंक वी एंडेड अप समवेयर अराउंड दैट 150 के आसपास। तो इट वाज अगेन उस टाइम पे लर्निंग स्टेज था मेरा, सीख रहा था चीजें। एंड नाउ ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला कि इट्स कम टू अ फुल सर्कल, आई एम लाइक आई अंडरस्टैंड गेम मच बेटर नाउ हैविंग प्लेड द गेम फॉर सो मेनी इयर्स, सो इट्स बीन ब्रिलियंट। गौरतलब है कि रोहित शर्मा ने अपने टी20 कैप्टनसी करियर का अंत 50वीं जीत के साथ किया। वो इस फॉर्मेट में बतौर कप्तान जीत का अर्धशतक लगाने वाले पहले कप्तान बने हैं। उनके बाद इस लिस्ट में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में टीम को 48 मैच जिताए।